नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे 2 अक्टूबर को आ सकते हैं। इसमें एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बज सकता है, इंदौर सफाई में सिक्सर लगा सकता है। पिछली 5 बार से वह देश भर में अव्वल आ रहा है। वहीं राजधानी भोपाल की रैंकिंग भी सुधरने की उम्मीद है। पिछली बार भोपाल की पोजीशन 7वीं थी, प्रदेश को कुल 35 अवार्ड मिले थे। अब की बार अवार्ड की संख्या भी बढ़ सकती है। इंदौर वर्ष 2017 से ही देश भर में नंबर 1 पर आ रहा है। अब की बार इंदौर ने सिक्सर लगाने का पूरा जोर लगा दिया है। भोपाल देश के सबसे स्वच्छ टॉप 5 शहरों की दौड़ में है। मार्च अप्रैल में सर्वेक्षण और डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा चुके हैं। जनता के फीडबैक को लेकर भी पूरा जोर लगाया गया है। राजधानी में निगम ने सफाई और सजावट को लेकर ताकत झोंक दी। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर खास जोर दिया गया। सूखा और गीला कचरा अलग अलग लिए गए। वहीं गाड़ियों की गली मोहल्ले में पहुंचने की टाइमिंग भी ठीक की गई। पार्कों की सजावट, नए पार्कों में इनोवेशन, फुटपाथ और सेंट्रल वॉल्स की धुलाई, डिवाइडर का रंग रोगन भी किया गया। इस बार सर्वेक्षण 6000 की बजाय 7500 अंकों का हुआ है। इसमें जनता से फीडबैक, खुले में शौच, डोर टू डोर कचरा कनेक्शन, सौंदर्यीकरण जैसे प्रमुख बिंदु शामिल रहे। इनके अलावा इनोवेशन और दस्तावेजों के आधार पर भी अंक मिलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश को कुल 27 सम्मान मिले थे। इसमें 18 शहर स्टार रेटिंग और 9 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए थे। वहीं 2021 के सर्वेक्षण में कुल 35 अवार्ड मिले थे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का परिणाम घोषित करने जा रहा है। मंत्रालय ने पिछले साल का परिणाम घोषित करने से पहले ही 2023 की गाइडलाइन जारी कर चुका है। इंदौर इस बार भी स्वच्छता का काम सिक्सर लगाने की तैयारी में है। इंदौर समेत देश भर में 4355 शहरों की स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की फाइनली रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।